तो भाई जैसे ही मैं उठ सो कर उठा तो देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो तुम लोग सोचोगे कि रोज छत पे दिखाता था आज क्यों। तो आज मैं ना दादी के घर आया हूँ तो वहीं पे था सुता था, तो इसलिए देखो मतलब पूरा कुवैसा कुवैसा ही है। मैं बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि इतनी तेज़ बुन्नी पड़ रही है और देखो पानी कैसे भाग रहा है। मेरा भाई आया था छाता लेकर, तो अब हम घर जा रहे हैं। तो मतलब इतना तेज लौका और है ना, और बुन्नी भी तो पड़ी रही है बहुत तेज़ की। तो चलो चलते हैं, देखो बुन्नी का शॉट। तो ये देखो मतलब पूरी खेत में पानी भर गया है और इधर भी मतलब पूरा पानी भर गया है। तो हम चक्रोट पे जा रहे हैं। तो ये देखो मतलब इतनी ज़्यादा पानी इसमें खेत में भर गया है भाई। अरे तो मेरा लात अभी पानी में चला गया था, मतलब रोड पे खड्डा हो जाता है ना इसलिए। तो देखो इसमें ये तो धान डूबने ही वाला है, अगर और थोड़ा देर बुनी पड़ जाए तो धान पूरी डूब जाएगी क्योंकि इधर से पानी का निकास नहीं ना है। इसीलिए पानी का निकास रहता तो काम कुछ बन जाता। मैडम भैया तो करे मैडम भैया तो क्या कहाँ अरे सड़क का दिख रहे तो यहाँ पे देखो मतलब मेटर भी बोल रहे हैं और हाँ लाइन है गई, लाइन थोड़ी है रे इन्वेटर है, तो इसका भी राम राम सब होने वाला। तो वहाँ पे थोड़ी पुलिया पुलिया लगे, देखते हैं पानी खींच रही है कि नहीं खींच रही है। तो हमें क्या मतलब पानी खींचे या ना खींचे, वो तो जिसका खेत वो ना समझेगा। तो देखो इस मतलब इतना ज़्यादा मतलब लौका हो रहा है ना, बुनी पड़ रही है तो पुलिया तो खींच रही है पानी। देखो मतलब कम खींच रही है, थोड़ा थोड़ा खींच रही है। इसको मतलब साफ करेंगे तब खींचने लगेगी। इधर से कम है, हाँ तो इधर से उठा बहुत कम है ना इसीलिए। तो यहाँ पे भी एक पुलिया लगी, लगता है पानी नहीं खींच रही है। नो कहाँ खींचा था पानी, तो अंदर नहीं खींचा साफ ना। रोड गिर गया भाई देख लो पूरा, मतलब कि नीचे से वो कहा कुपिया कर खा देते हैं सब ना, इसलिए गिर गया है रोड। देख लो यहाँ पे नारी में पानी भर चुकी है, और मतलब कि देखो यहाँ पे तो रोड पे भी पानी भर गया है मेरे घर के सामने। और मैं वो दादी घर गया था तो देखो इतना तेज मतलब पानी जा रहा है भाई। अरे मारा थे बड़ा आराम ही है, देखो इतना तेज मतलब पानी आ रहा है बहुत तेज। तो मैं अपने घर आ चुका हूँ अब। ये देखो मेरी पूरी गाड़ी भीग चुकी है। ये देखो भाई मेरी पूरी घर में पानी भर चुका है, घर में नहीं अंगना में यह। और पीछे मेरा दीवार भी टूट गया है पीछे, चलो आपको छत से दिखाता हूँ। चल छत पे तो इसकी मतलब पाइप वो जाम हो गई है ना इसीलिए। तो अभी हम छत पे जा रहे हैं, और मतलब ये सामने वाली दीवार भी टूट कर ना गिर गई, वो हमारी वाली नहीं है दूसरी की है। घर में लग रहा है तो इसीलिए की वजह से पानी जाम हो गया पूरा। देखो ये वाली दीवार मतलब पूरी टूट कर वो गिर गई है, ऐसा लग रहा है कि जो सामने से लग रहा है इस पर जुड़ा हुआ दीवार है। देखो ये वाली दीवार जुड़ी नहीं थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी इसमें जुड़ गई है। तो इसी की वजह से पानी जाम हो गया अंगना में मेरा, क्योंकि पानी निकल ही नहीं रहा तो क्या हुआ। तो ये देखो इतना तेज मतलब पानी खींच रहा है ना कि क्या बताऊँ। देखो यार सला के तो इटा से मतलब बंद था ना इसीलिए बहुत तेज बह रहा। तो अभी मैंने बंद कर दिया पानी का ढक्कन, देखो कितना मतलब तेज जा रहा था वो पानी। देखो अभी खोलूँगा तो देखना इतनी कम पानी जा रही है ना, अभी देखना कितना तेज जाएगा। देखो देखो कितना तेज मतलब पानी गिर रहा है देखो वहाँ पे। तो लगता है कि कैमरा पानी गिर गया है भाई, रुक जाओ साफ कर लेता हूँ। तो इससे अभी कह रहा है कि कहाँ गए आ जा, तो वो देखो भाग गया नीचे कह रहा कि मुझे भी कैमरा में ले लो। तो मैंने कहा जा हट जा पहले अपना काम कर। तो यही बात है भाई, वो मैं उस घर था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब यहाँ पे आया तब ये लोग कह रहे थे कि दीवार वाली वो टूट कर गिर गई है और मतलब कि अच्छा तो पानी भर गया। इसमें खाना का मेरा बन रहा है देखो वहाँ पे, मतलब कि धुआँ उसमें से निकल रहा है लेकिन उससे नहीं लग रहा। देखो तुम लोग को नहीं लग रहा है जब मेरी मोबाइल भेज जाएगा क्यों।